तो बच्चों आज हम 10वीं कक्षा की दूसरी कविता पद में से मीराबाई की कुछ पदों का भाव जानेंगे। आपको पता ही है कि मीरा कृष्ण जी की कितनी परम भक्त थी। तो पंक्तियां हैं, हरी आप हरो जन की भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरी धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजन भीर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी पीर। तो मीराबाई इन पंक्तियों में ईश्वर से अपने पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर से कहती हैं, विनती करती हैं कि प्रभु मेरी आपसे विनती है कि आप ही हो जो मेरे संकट हरोगे। जैसे आपने द्रौपदी की दुशासन की सभा में वस्त्र हरण के समय वस्त्र को बढ़ाकर उनकी रक्षा की और भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नर हरि का रूप धारण किया और इंद्र के वाहन एरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त किया, ऐसे ही जैसे आप अपने भक्तों की लाज रखते आए हैं उसी प्रकार आप मेरी भी लाज रखो और मेरे कष्टों को हरो। मेरा जीवन सिर्फ आपके नाम का है और मैंने आपके चरणों पे समर्पित कर दिया है। तो मेरे संकट जो है, जैसे आपने सब भक्तों के संकट हरे हैं वैसे ही आप मेरे संकट भी हरो। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाल लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, मिंद्रा बन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पासियों सुमरण पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियों तीनों बाता थरसी। तो इन पंक्तियों में भगवान से विनती करते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण आप मुझे अपने चरणों में चाकर रख लो, मैं आपकी बहुत भाव से चाकरी करूंगी, आपके लिए मैं कृष्ण भगवान के लिए फूलों के बाग लगाएंगी, रोज सुबह उठकर वो श्री भगवान के दर्शन करना चाहती हैं, नौकर रहते हुए मैं वृंदावन की कुंज गलियों में लताओं से भरी हुई गलियों को मैं आपके यश के गुणगान करूंगी, प्रभु आपकी लीला का बखान करूंगी। वो पूरी तरह से अपने को समर्पित करती हुई कृष्ण के चरणों में समर्पित करती हुई कहती हुई कि मेरे जीवन में अब और कुछ नहीं बचा है, मेरे जीवन में सिर्फ आपका स्थान है और मैं आपकी सेवा में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, आपका यश गान करते हुए और आपकी सेवा करते हुए। तो इससे मुझे क्या होगा, इससे मुझे तीन प्रकार के फायदे मिलेंगे, तीन उपहार प्राप्त होंगे। प्रथम तो कि मैं आपके हर रोज़ दर्शन करूंगी, हर सुबह आपका दर्शन पाऊंगी, और दूसरा उनको खर्च करने के लिए हरि सुमरण मिलेगा, भाव और भक्ति की जागीर साम्राज्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण जी के रूप का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैं कि भगवान मैं आपका कुंज गलियन में आपके गुणगान गाती हुई अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। और वो क्या चाहती हैं, बिंद्रा बनरी कुंज गली में चाकरी में दर्शन पासियों मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, बिंद्रा बन में धेनु चरावे मोहन मुरली बाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाण बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घनो अधीरा। तो इन पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि वो महल एक बीचों बीच महल बनवाएंगी और इसमें एक खिड़की रखेंगी जिसमें से वो क्या चाहती हैं, वो हरि के दर्शन के लिए खुद भी रंग बिरंगे वस्त्र पहनना चाहती हैं। वो दर्शाती हैं कि प्रेम में कितने रंग होते हैं, प्रेम हमें प्रेम और जीवन में अपने रंग देखने चाहिए कि किस प्रकार अपने दुखों को भूलकर ईश्वर के शरण में आकर सुख की प्राप्ति करनी चाहती हैं। वो मीराबाई के दर्शन के लिए वो प्रभु के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं कि वो कहती हैं हरि आप आधी रात को आइए और यमुना के किनारे मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन तो मेरे दुखों को हर लो, मेरे गिरधर नागर
श्री कृष्ण आपके मिलने को मेरा हृदय बहुत व्याकुल है, मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, आपके गुणगान गाना चाहती हूँ, आपके चरण में रहकर जीवन में जीवन के रंग देखना चाहती हूँ, मैं आपको पीले वस्त्रों में जो आपके दर्शन पाना चाहती हूँ और मैं खुद भी रंगों में प्रेम रंग में रंग जाना चाहती हूँ। तो उनका कहने का यही भाव है कि मीरा के इन पदों का मूल भाव ये है कि भक्त प्रभु के चरणों में स्थान पाना चाहता है और वहीं पे अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है उनकी सेवा में।